सारा के बाद इब्राहिम और तैमूर के डेब्यू पर पहली बार कुछ ऐसा बोले सैफ, निराश होंगे फैंस। बॉलीवुड में पिछले कुछ समय में कई सेलिब्रिटी किड्स ने डेब्यू किया तो वहीं कई जल्द लॉन्च होने वाले हैं। सैफ अली खान की बेटी सारा ने इंडस्ट्री में कदम रख दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है अब सैफ के बेटे इब्राहिम की बारी है। पहली बार सैफ ने अपने बच्चों के डेब्यू पर बात की है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सैफ अली खान ने कहा कि इब्राहिम बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा दिखता है, वो बहुत चार्मिंग है, मुझे लगता है कि मेरे सारे बच्चे एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। हमारे परिवार में सभी एक्टिंग करते हैं और बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं। सैफ ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि इब्राहिम पहले अपनी पढ़ाई खत्म करे, अभी वो छोटा है, उसके बाद वो जो भी करेगा हम सभी उसका समर्थन करेंगे। इब्राहिम अभी महज 18 साल के हैं और अपनी माँ अमृता सिंह के साथ रहते हैं। करीना कपूर के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। अपने पिता के हर फैसले में दोनों बच्चे सारा और इब्राहिम उनका साथ देते हैं। अक्सर सारा और इब्राहिम को करीना सैफ के साथ पार्टी करते भी देखा जाता है। वैसे सैफ की बातें सुन ऐसा लगता है तैमूर का इंटरेस्ट अभी से कैमरे के सामने आने की है। सैफ अली खान जल्द नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज से क्रिएट गेम्स में नजर आएंगे। पिछले दिनों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे काफी पसंद किया गया। मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज से क्रिएट गेम्स में सैफ के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, कल्की केकला और रणवीर शौरी मुख्य भूमिका में हैं। दूसरे सीजन का प्रीमियर 15 अगस्त को होगा।